नमस्कार साथियों। तो आज अपना जो टॉपिक है, नया टॉपिक है, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और है जो राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अपन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो कुल है जो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से अपन आगे बात करेंगे। वन्य जीव है जो दोस्तों कुल 26 है, तो अपन है जो कितना पढ़ पाते हैं देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में, अपन कितना कंप्लीट है जो पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो है जो आगे ही बात करेंगे कंप्लीट है जो कितना होता है, हाथ से लेके नोट्स है दोस्तों। बता दूं आपको, ये जो आप देख रहे होंगे कि ये पुराने नोट्स है, नहीं साथियों ये पुराने नहीं, बल्कि मैं अभी हाल में बनाकर अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। हाल ही में अभी जैसे जस्ट इस टाइम में बना रहा हूँ और इसी टाइम में वो क्वेश्चन आंसर भी बनाता हूँ और है जो ये नोट्स भी बनाता हूँ, ठीक है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं है, पहले से भी बता दूं आपको। राजस्थान क्लासेस चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाल बटन के कलर को काला अवश्य कर दीजिए और ये जो बेल प्रेस है ना, इस पर इस प्रकार का यदि आइकन आ जाए तो उसे ऑल के लिए अवश्य क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। BSTC और PTT की जो है स्पेशल लाइव, और आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना राष्ट्रीय उद्यान से, स्टार्ट करते हैं। कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है 3 है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अपन उस राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सवाई माधोपुर में है। देखिए दोस्तों रणथंभौर आपने दुर्ग पढ़े होंगे, रणथंभौर कहां पर है, ये सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो उद्यान कहां पर है, तो रणथंभौर जहाँ पर सवाई माधोपुर में है जो रणथंभौर, तो राष्ट्रीय उद्यान भी सवाई माधोपुर में है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, उसके अंदर क्या खास है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। राज्य का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों प्रश्न कर लिया जाए, एग्जामिनर आपको पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों यही है राष्ट्रीय उद्यान। इसका कुल क्षेत्रफल जो है ना, ये दोस्तों 282.03 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों आपको क्षेत्रफल है जो कहीं नहीं मिलेगा जितना है, सभी जो भी है ना दोस्तों अपन पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान छोटे से बड़े तक सभी का क्षेत्रफल भी साथ में जानेंगे, ठीक है। भले दोस्तों क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, पर आपके लिए जो दोस्तों ये मैंने उचित समझा ये क्षेत्रफल भी देने के लिए, ठीक है। तो राज्य का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, और राज्य की पहली बाघ परियोजना जिसको प्रारंभ किया गया 1973 में, और साथ ही कुल जो क्षेत्रफल है वो है 282.03, और 1955 में इसे है जो वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया था। दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कब किया था, इसे 1955 में किया था, ठीक है। और राष्ट्रीय जो उद्यान दोस्तों ये है जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, याद रहे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों आगे बात करें तो 1/11/1980 एक नवंबर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इसे देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य 1955 में घोषित किया और राष्ट्रीय उद्यान किया इसे घोषित 1980 में, ठीक है दोस्तों। 1980 से 1983 तक वन्य जीव अभ्यारण्यों की एक क्रांति चली थी जिसमें दोस्तों ये है जो घोषित हुई थी, ठीक है। काफी जो वन्य जीव अभ्यारण है ना वो सभी 1983 में हुई थी दोस्तों। वन्य जीव अभ्यारण जो कि ये घोषित हुए थे ना, ये 1983 में राजस्थान में सर्वाधिक हुए थे। दक्षिण में दोस्तों चंबल एवं उत्तर में बनास नदी है। इसके दक्षिण में दोस्तों ये कुल क्षेत्रफल है ना 282 वर्ग किलोमीटर, इसके चंबल है जो दक्षिण में है और बनास है जो उत्तर में है, ठीक है। मगरमच्छ यहाँ का दूसरा आकर्षण केंद्र है, और पहला जो आकर्षण केंद्र है वो है पहली बाघ परियोजना के रूप में, ठीक है। और दर्शनीय जो यहाँ पर स्थल है दोस्तों, जोगी महल है, गणेश मंदिर है, यहाँ पर गणेश मंदिर है दोस्तों, जोगी महल भी है, और यहाँ पर 3 झीलें हैं, पद्म तालाब, मलिक तालाब और राजबाग झील। ये झीलें हैं दोस्तों, पद्म तालाब, मलिक तालाब और राजबाग तालाब कह सकते हैं या झील भी कह सकते हैं, ठीक है। और देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण, दोस्तों पूरे देश की अगर बात करें तो सबसे छोटा बाघ अभ्यारण जो है ये देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण है, और भारतीय बाघों का इसे घर भी कहा जाता है, भारतीय बाघों का इसे घर कहा जाता है साथियों, ध्यान रहे और ध्यान रखें,
ठीक है। और देश में प्रथम बाघ विस्थापन की घटना भी इसी अभ्यारण्य में हुई थी, इसी राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी। तो दोस्तों जो बाघिन बबली को सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया, बाघ परियोजना का जन्मदाता देखिए दोस्तों एक बार ये क्लियर कर दीजिए, कब देखिए 28 जून 2008 को बाघ सुल्तान, ठीक है, और बाघिन बबली को सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया। कहां से? इस अभ्यारण्य से उठाकर कहां पर? सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया। दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और बाघ परियोजना का जन्मदाता एवं राज्य का टाइगर मैन आप सभी जानते हैं कि कैलाश सांकला है, और जो कि जोधपुर से है, निवासी कहाँ के हैं? जोधपुर निवासी कैलाश सांकला को राजस्थान का टाइगर मैन भी कहा जाता है और बाघ परियोजना का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों साथ साथ में क्लियर करते रहिएगा क्योंकि यह जो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है साथियों, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जिसे घना पक्षी विहार अभ्यारण भी कहते हैं, और ये है जो दोस्तों भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो दोस्तों 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और अगर बात करें कुल क्षेत्रफल की तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 28.73 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 28.73 वर्ग किलोमीटर है जो इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों जो 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ था, ये देखिए 1956 में सर्वप्रथम ये 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ, उसके बाद इसे 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया था। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया इसे, 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये अभ्यारण्य, और 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट भी घोषित। दोस्तों रामसर जो साइट है वो है जो ये अभ्यारण्य रामसर साइट के अंतर्गत आता है। दोस्तों अपन बाद में रामसर साइट को भी विवरण से पढ़ेंगे, ठीक है। तो रामसर साइट के अंतर्गत ये है जो 1 अक्टूबर 1981 को इसे ले लिया था, साइट घोषित कर दी थी। दोस्तों ये अब बात करें तो किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन जो क्रेन सारस होते हैं उसके लिए, उसके आगमन के लिए ये प्रसिद्ध है। साइबेरियन जिसका नाम होता है क्रेन या सारस भी कह सकते हैं, जो कि इसके आगमन के लिए प्रसिद्ध, और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों इसके ऊपर आज शाम को ही वीडियो बनाएंगे जो कि प्रश्नोत्तरी की रहेगी, आप जरूर है जो ध्यान से देखें इसे, ध्यान से पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों राजस्थान का दूसरा एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये, राजस्थान का दूसरा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, इसके मध्य में शिव केवला देव का मंदिर है, इसी के नाम पर है जो केवला देव इसका नाम पड़ा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अच्छा इसके मध्य में शिव केवला देव का मंदिर आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है ये, एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, और यहाँ एंसा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी है जो मरते हैं। दोस्तों एंसा घास नामक यहाँ पर है, और यहाँ पर जो सर्वाधिक पक्षी मरते हैं वो एंसा घास में फंसकर मरते हैं। और राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला भी यहीं पर स्थापित की गई, राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की गई। एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, और राजस्थान का दूसरा एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। कदम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं यहाँ पर, कदम के वृक्ष यहाँ पर बहुतायत पाए जाते हैं, और इसको है जो पानी मिलता है वो अजान बांध से मिलता है। दोस्तों अपन ने पढ़ा था ना कि अजान बांध है जो कहाँ पर है, तो दोस्तों भरतपुर में है, सभी को क्लियर है ना, बिल्कुल। तो यहीं पर है जो बाण गंगा और गंभीरी नदी भी बहती है, इसी के निकट से बाण गंगा और गंभीरी नदी है जो दोस्तों बहती है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। दोस्तों तीन नंबर जो कि है ये है जो देखिए कहां कहां पर है ये दोस्तों कोटा और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रहे कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये जो दोस्तों देखिए
9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जो कि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा कौन सा दोस्तों? केवलादेव भरतपुर, और ये जो राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कुल है जो 199.55 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, और ये कोटा और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये जो इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। इसे 2013 में, 2012 के बाद जब 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया, उसके जस्ट बाद है जो इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बनाया, क्योंकि ये राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। ठीक है साथियों, ये जो पहली बाघ परियोजना जो कौन सी है, राष्ट्रीय जो उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये पहली बाघ परियोजना। और दूसरी जो है दोस्तों वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, अपने हो गए दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट, कुल तीन है, तीनों कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। और वन्य जीव अभ्यारण्य जो दोस्तों है, ये अपन कुल देखते हैं कितने पढ़ पाते हैं। ठीक है, वीडियो है जो आप दोस्तों कंप्लीट जरूर देखना। अच्छा, तो बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान की, सबसे पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में है। जो ये है मरु उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में विस्तृत ये है जो उद्यान है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ध्यान रखें। और कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3162.50 वर्ग किलोमीटर है, जो इतने वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है 3162.50 वर्ग किलोमीटर में। फैक्ट दोस्तों है जो ये आपको ध्यान रखना है साइज। ठीक है, बिल्कुल। और 4 अगस्त 1980 की वन्य जीव अभ्यारण्य बनाइए, ये वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों बना 4 अगस्त 1980 को बना। ठीक है, क्लियर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ पर है, वो इसी अभ्यारण्य में स्थित है। दोस्तों आकलवुड जो फॉसिल पार्क है वो यहीं पर स्थित है, और जो जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है आप सभी को पता है। ठीक है, तो यह जो दोस्तों ये जो अफ्रीका के मरुस्थली भाग का है, जो ये मरुस्थल भाग है अपना, और उसी का जो अवशेष माना जाता है आकलवुड फॉसिल पार्क, उसी के लिए जीवाश्मों के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे बात करें अगर तो राज्य पशु जो कि सिंकारा एवं राज्य पशु पक्षी जो है गोडावण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जो ये मरु उद्यान है दोस्तों, राज्य पशु सिंकारा और राज्य पक्षी गोडावण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। और राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन BSTC में भी या PTT में या किसी अन्य भर्ती परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कल के लिए तो जरूर बनाऊंगा, आज के लिए आज शाम को इसकी है जो क्विज है जो अपलोड की जाएगी आज शाम को। दोस्तों आप तैयार रहें 9 बजे। ठीक है, इसी पर आधारित। दोस्तों अगर बात करें तो सोहन चिड़िया पीवड़ा जो कि विशेला सर्प होता है और सेवन घास बहुतायत में यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है साथियों, याद रखें सोहन चिड़िया पीवड़ा जो कि सर्प होता है और सेवन घास, और सेवन घास का जो एक प्रकार है लीलोन वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। दोस्तों दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है जी, तो दोस्तों दूसरी जो बाघ परियोजना है और तीसरी है जो मुकुंद्रा हिल्स है, और दूसरी है जो ये है कौन सी? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य 1978 में प्रारंभ हुई थी, और दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित हुआ था 1 नवंबर 1955 को। 1 नवंबर 1955 को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल है 492.29 वर्ग किलोमीटर, और दोस्तों क्रासका एवं कांकनवाड़ी पठार जो है वो यहीं पर स्थित है। क्रासका एवं कांकनवाड़ी पठार यहीं पर स्थित है। दोस्तों धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर पांडुपोल है। अपना क्वेश्चन भी दोस्तों 2009 की थी या 2008 की क्विज में अपन ने पढ़ा था कि पांडुपोल है जो कहां पर स्थित है, तो दोस्तों क्लियर हो गया ना, पांडुपोल जो है अलवर में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। दोस्तों आगे बात करते हैं भर्तृहरि नीलकंठ महादेव ताल वृक्ष गरठी कामोद विराटनगर थानागाजी कुशलगढ़ बाला किला अलवर किला और अजबगढ़ और भानगढ़ और बलदेवगढ़ किए है जो यहाँ के धार्मिक स्थल है और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के
अंदर है। ठीक है दोस्तों, और यह अभ्यारण्य रीसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये अभ्यारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, रीसस बंदर के लिए, रीसस जाति का बंदर जो है उसके लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। दोस्तों इसी प्रकार अगर अपन बात करें आगे तो सरिस्का ए अभ्यारण भी है, कई पुस्तकों में दोस्तों ये है जो सरिस्का अभ्यारण इसी के साथ में है, पर दोस्तों ये अलग से है जो डिवाइड है और ये भी अलवर में, और इसका कुल क्षेत्रफल है 3.01 और राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखिए राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, मरु उद्यान है, सबसे छोटा कौन सा है, सरिस्का अ है। ठीक है बिल्कुल, और 20 जून 2012 को घोषित है जो ये अभयारण्य हो चुका था 20 जून 2012 को। ठीक है दोस्तों क्लियर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और दोस्तों साथ साथ में जरूर क्लियर करते रहिएगा। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण दोस्तों ये कोटा और झालावाड़ में, और मुकुंद्रा हिल्स दोस्तों कहाँ पर है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण जो कि कुल क्षेत्रफल इसका 225.44 वर्ग किलोमीटर है और गागरोनी तोते और ढोकड़ा वन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप इतना रट लीजिए कि ये वन्य जीव जो है ये कहाँ पर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है और ये कब घोषित हुआ, ये तीन चीजें आप क्लियर दोस्तों याद रखना आप। ठीक है, और बाकी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये एडवांस जानकारी आपको याद रहे तो और भी बेटर है। गागरोनी तोते व धोकड़ा वन के लिए प्रसिद्ध है दर्रा वन्य जीव। नेक्स्ट अगर बात करें तो अबली मिनी का महल जो कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, अबली मिनी का महल दोस्तों ये है जो कहां पर है, ये है जो इस अभयारण्य में है और इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, और रावणा महल भी यहीं पर स्थित है और कागरोन का किला भी यहीं पर स्थित है, और यह है जो 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य बना। दोस्तों अभी तक जो अपन अभयारण्य देखते आ रहे ये सभी है जो 1955 को बने। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान का दूसरा ताजमहल इसे कहा जाता है अबली मिनी का महल को, तो पहला ताजमहल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रहे जसवंथड़ा को कहा जाता है, जसवंथड़ा जो कि जोधपुर में है। ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो सवाई मानसिंह जो कि अभयारण्य है वन्यजीव, सवाई माधोपुर में स्थित है सवाई मानसिंह अभयारण्य, और इसका क्षेत्रफल 113.0 आते हैं और दोस्तों 30 नवंबर 1984 को वन्यजीव अभयारण्य घोषित हुआ। आप एक बार क्लियर करना कि मानसिंह है जो कहां पर है, सवाई माधोपुर में है, और इसका है जो 30 नवंबर 1984 को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। दोस्तों करौली में है कौन सा, जी बिल्कुल केला देवी अभ्यारण, केला देवी मंदिर कहां पर है, करौली में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अपन है जो लोक देवी, इसके बाद अपना जो टॉपिक रहेगा कला और संस्कृति का रहेगा और लोक देवता पढ़ेंगे। ठीक है, तो केला देवी अभ्यारण करौली सवाई माधोपुर, बिल्कुल क्लियर जी। तो मुख्य रूप से यहाँ पर धोक वन क्षेत्र है, ये तो अपन दोस्तों कल भी पढ़ चुके हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर धोक वन क्षेत्र है और 19 जुलाई 1983 को इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया और दोस्तों करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, दोस्तों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है जो राजसमंद पाली और उदयपुर तीनों जिलों में घिरा हुआ है। दोस्तों ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि यह जो राजसमंद में, ठीक है, उसके बाद उदयपुर और पाली को है जो पड़ोसी ले लीजिए, और कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 610.528 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और दोस्तों कुंभलगढ़ है जो ये भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है, भेड़िए के लिए ये कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये प्रसिद्ध है और 13 जुलाई 1971 को ये घोषित हुआ गया है अभ्यारण्य। दोस्तों एक बार फिर से 13 जुलाई 1971 को घोषित है जो ये अभ्यारण्य। ठीक है, और रणकपुर के जैन मंदिर है जो इसी क्षेत्र में स्थित है, रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो इसी क्षेत्र में स्थित है, और पाली है जो इसके अंतर्गत आता है, पाली के अंतर्गत भी आता है ये। दोस्तों फुलवारी की नाल कहां पर है, उदयपुर में, कोटड़ा तहसील में उदयपुर में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 511 वर्ग किलोमीटर और सोम मानसी और वाकल नदियां यहां से निकलती है।
दोस्तों सोम मानसी वाकल नदियाँ जो यहाँ से निकलती है, यहाँ से इसका उद्गम स्थान है, और 6 अक्टूबर 1983 को यह जो घोषित की गई। और दोस्तों ध्यान रहे 6 अक्टूबर 1983। तो अगर बात करें दोस्तों टॉटगढ़ रावली की, तो टॉटगढ़ रावली जो है अजमेर, पाली और राजसमंद में, इसका कुल क्षेत्रफल 475 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों यह अभ्यारण्य जो घोषित हुआ ये कब हुआ, 28 सितंबर 1983 को। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो अपन ने पढ़े वो है जो 1955 में घोषित हो रखे, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य सभी दोस्तों 1983 में हो रहे हैं अभी तक, तो है ना। तो आप ये चीज जरूर फैक्ट रखें, ध्यान रखें 1983 का ऑप्शन इस प्रकार का। यदि सारे ऑप्शन 1983 यही दे दिए जाए तो आपको पहले से ही तैयारी करनी है, डेट याद रखना है आंकड़ों की, ठीक है, तिथि याद रखनी होगी। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि दोस्तों 3 जिलों में घिरा हुआ है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर। दोस्तों इसमें है जो आपको मैप के आधार पर बताएं तो भी इतना है जो इतना नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है। चीतल की मातृभूमि, इसे दोस्तों चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। 100 सिंगा के लिए यह प्रसिद्ध है और उड़न गिलहरी के लिए भी यह प्रसिद्ध है। दोस्तों 100 सिंगा को यहाँ पर जो क्या कहा जाता है, भेंडल कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इस वन्य जीव अभ्यारण्य में 100 सिंगा को भेंडल कहा जाता है। उड़न गिलहरी को यहाँ पर आसोवा कहा जाता है। और यहाँ पर गर्म व ठंडे पानी के दो झरने बहते हैं जिसका नाम है जो दोस्तों देखिए जाखम नदी व जाखम बांध इसी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जो दो झरने हैं वो यहाँ पर नाम नहीं दिए गए हैं, गर्म व ठंडे पानी के दो झरने बहते हैं और जाखम नदी और जाखम बांध इसी झील में, इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। और दोस्तों यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मौजूद है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है कौन से अभ्यारण्य में, ऐसा प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। दोस्तों यह जो 3 संगम के स्थल पर स्थित है, कौन सी अभ्यारण, अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला और मालवा पठार के संगम पर ये स्थित है सीता माता अभ्यारण, जो कि कहां कहां पर है दोस्तों एक बार क्लियर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, जो कि 100 सिंगों और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों रामगढ़ विषधारी जो कि बूंदी में स्थित है, रामगढ़ विषधारी जो कि बूंदी में स्थित है और 307 वर्ग किलोमीटर बड़ा है क्षेत्र में। और बूंदी जो कि नैनवा रोड है, नैनवा रोड पर रामगढ़ गांव के निकट है जो स्थित है। यह राज्य के एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें बाघ परियोजना के अलावा बाघ विचरण भी करते हैं, इसलिए इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जा सकता है। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, इसे पूछ लिया जाए कि रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर किसे कहा जाता है, तो रामगढ़ विषधारी को कहा जाता है जो कि बूंदी में स्थित है। और यह जो दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से सांपों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका नाम है जो विषधारी पड़ा है और यहाँ पर विषैले सांप पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए लास्ट दोस्तों आज अपन इतना ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जमवाराम जो कि जमवाराम कस्बा है ये कहां पर है दोस्तों, जयपुर में है, सभी को पता है जयपुर में है जी। तो क्षेत्रफल जो है इसका 300 वर्ग किलोमीटर और 31 मई 1982 को ये घोषित हुआ, 31 मई 1982 को ये जमुआ रामगढ़ घोषित हुआ। और जमुआ रामगढ़ यहाँ पर जमुआ माता का मंदिर भी है दोस्तों, देवियाँ, लोक देवता, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे इसके बाद। थोक के वन मुख्यतः यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ हवा होदी झील रामगढ़ है, यहाँ हवा होदी झील है और जो कि कहाँ पर है, रामगढ़ में है, ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो अपनी इतनी है, और आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।
ठीक है। और आप पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस अवश्य करें, और दोस्तों शाम की 9 बजे की लाइव क्लास में ज़रूर आए और अपने जो स्तर को जांचें। अभी आप पढ़ लीजिए ये सारा वीडियो, एक बार में समझ में नहीं आया दूसरी बार पढ़ लीजिए दोस्तों, 20 मिनट की वीडियो बनी है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से 9 बजे मिलते हैं शाम 9 बजे वाली लाइव क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।